उदयपुर जिले के मावली में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और उसके बाद निर्मम हत्या करने के मामले में सोमवार को 22 दिन बाद कोर्ट में चालान पेश हुआ। पुलिस आरोपी कमलेश राजपूत और उसके माता पिता को कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान पुलिस ने 306 पेज की चार्जशीट पेश की है। डीएसपी कैलाश कुंवर राठौर ने बताया कि इस मामले में लगभग 48 गवाह शामिल है। पुलिस ने चार्जशीट पेश कि इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट ने 6 मई की तारीख दी है। एडवोकेट अमित पालेवाल का कहना है कि मावली क्षेत्र में 22 दिन पूर्व दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में कमलेश राजपूत और उसके माता पिता को कोर्ट में पेश किया। पालेवाल का कहना है कि चार्जशीट में मुख्य तौर पर यह निकल कर आ रहा है कि आरोपी ने पॉर्न फिल्में देखी थी, इसके बाद मासूम के साथ बाथरूम में लेकर दुष्कर्म किया और पत्थर व चाकू से निर्मम तरीके से हत्या कर दी। रेप के बाद टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 2-3 दिन बाद मासूम को रखने के बाद खंडर में फेंक दिया। मासूम के टुकड़े टुकड़े को खंडर में फेंकने के दौरान आरोपी के पिता बरामदे में खड़े रहे, जबकि उसकी माता उसके साथ ही चली गई। सुनिए इस पूरे मामले में डीएसपी कैलाश कुंवर राठौर व मासूम की तरफ से इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट अमित पालेवाल का क्या कहना है। चालान आज पेश हो गया है और अब आगे की कार्रवाई जो है वो कोर्ट से स्टार्ट होगी। कितनी डेट दी है मैडम, कौन सी डेट दी है आपने? अब नेक्स्ट 6 मई की डेट दी है। कितने पेज और कितने गवाह हैं चालान में? 306 पेज की चार्जशीट है और 48 के लगभग गवाह हैं। क्या कुछ चार्जशीट में निकल कर सामने जुर्म प्रमाणित है और पेश कर दिया है चालान आज। किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ ये चीज़ें तो पूर्व में वैसे आ चुकी है हमारे उच्च। वही है, बच्चे की जो है हत्या हुई थी और जो घटना कारित हुई थी उसके बाद में मुलजिमों को जेसी करवाया गया और आज चालान पेश किया गया। एक बात सामने है कि आरोपी फोन वीडियो देखने का बड़ा आदी था, उसके बाद सही घटना को अंजाम दिया। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बोल बताइए क्या मामला क्या रहा। एडवोकेट अमित पालीवाल, आज 24 तारीख को जो लोपड़ा गांव का जो प्रकरण हुआ उसमें फाइनली चार्जशीट पेश हो गई है 22 दिन बाद, और चार्जशीट पेश होने के बाद में ये मामला ये निकल के सामने आया है कि इसमें पिता पुत्र और उसकी माँ तीनों का ही रोल निकल के सामने आया है। इसमें आगामी तारीख 6 मई को दी गई है और इसमें जैसे कि ये 363, 366 और बहुत सारी धाराएं लगी हुई है। पोस्को एक्ट भी लगा हुआ है, जेजे एक्ट भी लगा हुआ है और आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है इसमें, और पुलिस का कार्यप्रणाली अच्छी रही है। उन्होंने बहुत जल्दी ही, पिछली बार भी जो चार्जशीट पेश करनी थी पिछले पेशी पर वो भी किसी तकनीकी कारण से हो नहीं पाई थी, बाकी इनकी बहुत अच्छी कार्यप्रणाली रही और बहुत जल्दी उन्होंने चार्जशीट पेश की। और मेरे ध्यान में नहीं आता कि इतने बड़े केस में अगर उदयपुर में कभी ऐसी जल्दी चार्जशीट पेश हुई। क्या निकल कर आया चार्जशीट में? निकल के ये आया है कि इस बच्चे ने उस 29 तारीख को शाम को वो लड़की को बाथरूम में ले जाकर उसके मुंह पर रुमाल मतलब कपड़ा डाल के उसका रेप वेप किया वगैरह, उसके बाद उसके जो की टुकड़े टुकड़े कर दिए उसका, और 2-3 दिन बाद रखने के बाद उसकी पिताश्री तो वहाँ पे बरामदे में खड़े रहे और माता और दोनों मिल के उस खंडर में इस चीज़ को डाल के आए, ये चीज़ निकल के सामने आई है। ये बता रहे हैं जो असली मूवी है उसका भी है। हाँ ये चीज़ भी है कि जैसे उस निकल गया है इस चार्जशीट में कि उस बच्चे ने मोबाइल का बहुत दुरुपयोग हुआ है और मतलब 29 तारीख को करीब 29 से 30 बार उसने ब्लू फिल्म देखी 29 तारीख को, और 26 तारीख के लगभग भी उसने 22 बार ब्लू फिल्म देखी जैसा कि चालान रिपोर्ट में निकल के आ रहा है चार्जशीट में। और ये एक तरह के मतलब आज के माता पिताओं के लिए संदेश है कि बच्चे बच्ची को मोबाइल हाथ में ज़्यादा न दें। चाकू की क्या साइज है? चाकू की 29-30 सेंटीमीटर बताया जा रहा है साइज। किस तरह डिस्पोज किया पुलिस ने? हाँ जी, डिस्पोज कैसे किया उन्होंने? उसने उसको लेटरिन में ले गया उस लाश को और फिर उसके पत्थर और छुरी से टुकड़े टुकड़े कर दिए और अलग अलग थैलियों में बांध दिया, और थैली में बांधने के बाद एक बड़े कट्टे में बांध के इसको लेटरिन के पास ही एक कमरा है उस कमरे में ले जाकर उसने उसके बिस्तर की पेटी के पीछे डाल दिया।